हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने मेरा पिछला व्लॉग, दो या तीन व्लॉग देखे होंगे इस टॉपिक पर कि क्या गलती इनकी नहीं है या कौन सही कौन गलत। और अगर आपने वो मेरे व्लॉग ना देखे हों तो मैं उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, या सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप देख लीजिएगा। उसी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। बुलबुला ने मार दिया है मौके पर चौका, या कहते हैं ना कि इसे कहते हैं नहले पे दहला। मैं एक वोकैबलरी जो यूज कर रही हूँ, जो इंटरनेट पर ऑलरेडी चल रही है, जो लोग इस मामले से वाकिफ है उनको पता होगा कि मैं किसको क्या बोल रही हूँ। तो जी, जो बाजी हैं वो तो पहले बोल रही थी कि जो उनका घर है शिवपुरी वाला, वो उन्होंने रेंट पर दे दिया है और जैसे ही वो लोग जाएंगे तो वो जो किराएदार है वो आ जाएगा वहां पर रहने के लिए। फिर उन्होंने ये बोला कि पहले तो ये बाजी का पहला झूठ था। दूसरा झूठ ये है कि हम दोनों भाइयों ने साथ में प्लॉट लिए हैं। पहले तो साथ में प्लॉट नहीं मिल रहा था, पर मेरे हस्बैंड को प्लॉट मिल गया और फिर बस थोड़ी ही दूर में उनके छोटे भाई को भी प्लॉट मिल गया। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि उनको प्लॉट मिल गया हो और जो बाजी बोल रही हैं वो सच हो। पर जब आज मैंने बाजी की देवरानी का व्लॉग देखा तो देवरानी जी तो एक नई बात ही बोल रही हैं। वो बोल रही हैं कि हम लोग जो फ्लैट देख रहे थे, हम वहाँ वो फ्लैट लेने की कोशिश कर रहे थे पर वहाँ पर कोई मतलब नेगेटिव वाइब्स हैं उस घर की, उस घर के बारे में सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, तो अब वो लोग उस फ्लैट में भी नहीं जाने वाले हैं और वो लोग अब शिवपुरी वाले घर पे ही जाकर रहने वाले हैं। दैट मीन्स जो जेठानी जी ने पूरा प्लान किया था कि ये पूरे घर को तितर बितर बोलते ना, वो कर दिया उन्होंने, बहनों का मायका बंद हो गया और जो भी पैसा मिला था उससे बड़ा भाई भी अपनी ससुराल में घर बना लेगा और छोटा भाई भी ससुराल में ही घर बना लेगा। पर फिर भी मैं देवरानी की यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ तो नहीं कर सकती, क्योंकि इसने एक बहुत बड़ा गेम खेला है कि अभी क्या है, जेठानी तो जाकर वहाँ पर क्लेम करेगी नहीं, तो और जेठानी का पैसा भी खर्चा होगा यहाँ प्लॉट लेने में, उस प्लॉट पे घर बनाने में। पर जो देवरानी जी हैं उनको तो सब कुछ बना बनाया मिल गया। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या वो रेनोवेट कराना पड़ेगा वहां पे, और लोग भी अच्छा बोलेंगे कि देखा जेठानी ज्यादा गलत थी, वो तो अपने मायके में ही अपना हस्बैंड लेकर चली गई। देवरानी फिर भी समझदार है, वो वापस आई और अपने पैतृक घर में ही रह रही है। देखिए, इस बात पे भले उसका कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट हो, पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि हाँ एटलीस्ट वो तो अपने घर में जाकर रह रही है। और इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी दिखता है कि उसको नहीं स्पेंड करना होगा उतने सारे पैसे एक घर के होते हुए, नया प्लॉट खरीदो उस पर घर बनाओ, बहुत पैसा लगता है इन सारी चीजों में। तो मुझे तो देवरानी का डिसीजन ज्यादा सही लगता है और अच्छा लगता है। और अब मुझे लगता है कि जो जेठानी है वो वो बोलते हैं ना, सांप निकल गया और आप लाठी पीट रहे हो, लकीर पे लाठी जो भी पीटते हैं, एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रही वो वाली कहावत, वही वाली बात होगी कि आप अपना पैतृक घर भी छोड़कर आ गए, आपको पूरे पैसे भी खर्चा करने पड़ेंगे, बुरे भी आप सबसे ज्यादा दिख रहे हो और हाथ में भी अभी क्या आया, अभी क्या है, जब भी आपका घर यहाँ पे बन जाएगा तो फिर आपका उतना इंटरेस्ट उस घर के प्रति नहीं रह पाएगा ना। और जब वहां पे कोई रह ही रहा है ऑलरेडी तो आप उस पे क्लेम भी नहीं कर सकते। और जेठानी जी तो ये बोल रही हैं कि उस घर पे किसी ने क्या कोई स्टे नहीं लगाया है और पता नहीं कौन से चाचा हैं, उनके तो कोई चाचा नहीं थे, पता नहीं कैसे आ गए सामने, और वो अब अपना पक्ष भी रखेंगी। तो आप इतने दिन से अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे थे। पर मुझे सबसे वो बोलते ना कि जैसे एकदम सटीक चाल किसी ने चलिए, तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि जो देवरानी है उसने एकदम माइंड गेम खेला है यहाँ पर। और एक उसके बेनिफिट की भी ये बात हो गई कि उसको ज्यादा कुछ स्पेंड भी नहीं करना पड़ेगा,
अच्छी भी बन गई, बना बनाया घर में भी रहेगी और थोड़ी अच्छी भी बन जाएगी। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।